आज मुझे गांधी क्यों याद आया। पहली दफ़े इस तरह से गांधी मुझे तब याद आया था जब 80 के दशक में रिचर्ड एटनबरो की पिक्चर गांधी देखी थी रिली रोड के एक थिएटर में, और इतना भावुक हुआ उस पिक्चर को देखने के बाद कि मैं रिली रोड से पैदल चलता हुआ गांधी आश्रम पहुंचा था। और उस शाम का वक्त था, लाइट एंड साउंड प्रोग्राम ऑन था, और मुझे लगा मैं गांधी को जीवित देख रहा हूँ। सामने ये कुटिया विनोबा भावे और मीराबेन की है, जहाँ वो लगभग 1919 से लेके 1929 के दशक तक रहे हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ उस आश्रम में जहाँ से हिंदुस्तान की क्रांति का सृजन हुआ था। ये वो आश्रम है जहाँ पे गांधी जी साउथ अफ्रीका में से आने के बाद यहीं रहे थे, और यहीं से उन्होंने एक हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई का परचम फहराया था। मुझे गांधी क्यों याद आ रहा है इतनी तरफ? मुझे गांधी इसलिए याद आ रहा है कि जब मैंने पढ़ाई ख़त्म की थी उसके बाद मैं एक सर्वोदय संस्था में गया था। बड़ी शर्म आती थी मुझे खद्दर का कुर्ता और पैजामा पहनकर एक कंधे में झोला लटका के गांव में जाना। मुझे अच्छा लगता था अगर मैं लेफ्ट इंक्लिनेशन के लोगों के साथ में बड़ी बड़ी बातें माओ की लेनिन की इन करता हूँ। परंतु आज मुझे पता चलता है जो गांधी की सोच थी इस देश को लेकर के, वो सोच कितनी रेलिवेंट है, क्योंकि आज हम अपने सारे मूल्यों को भूल चुके हैं। जिस दिन के हालात हमारे चारों तरफ चल रहे हैं उससे अपने आप को उस गांधी का देश का नागरिक कहने में हमें शर्म आती है। इसलिए मुझे आज गांधी फिर याद आया, मैं इसलिए इस गांधी आश्रम में फिर से पहुंचा हूं, अपने आप को रिलेट करने के लिए और समझने के लिए कि ये शख्स कितना रेलिवेंट था इस देश के लिए।